हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बिहार की फेमस लिट्टी चोखा। इसे मैंने कढ़ाई में सेक के बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, बिहार काफ़ी फेमस है लिट्टी चोखा के नाम से, तो आप लोग भी इसे बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम प्याज का सत्तू लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। धनिया पत्ता, हरा मिर्च, अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार हम नमक मिलाएंगे। मैं यहाँ पे इसमें सरसों तेल डालूंगी। थोड़ा सा हम लाल मिर्च मिला देते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप मिलाएं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा और अच्छे से मिलाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मिला देंगे। यहाँ पे इसका आटा बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। अब मैं मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा नमक। नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम तेल मिलाएंगे इसमें। और बस इतना सा हम इसमें देंगे बेकिंग सोडा। सबको मिला करके हम इसका डो बना लेंगे। जैसे रोटी का डो हम तैयार करते हैं ना, हम वैसा ही इसका आटा बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो को तैयार करके रख लिया है। अब मैं इसे लिट्टी का शेप दूंगी। मैं इसकी लोई बनाऊंगी। जितना बड़ा आप रोटी खाते हैं ना, जितना बड़ा लोई आप रखना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से लोई ले। फिर लोई को हम इस तरीके से कर देंगे। फिर हम इसमें सत्तू का फिलिंग डालेंगे। फिर हम इसे बंद कर देंगे। फिर इसे हम इस तरीके से गोल गोल करके ऐसे ऐसे इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तरीके से हम सारा लिट्टी बना के रख लेंगे। पहले फिर हम इसमें फिलिंग डालेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हम इसे ढक देंगे।
इसको मिला देंगे इस तरीके से। फिर ऐसे ऐसे करके हम ये देखिए ऐसे करके हम सारी लिट्टी बना के रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बना के रख लेना है सारा लिट्टी का सेप। सारा लिट्टी को इस तरीके से बना के रख लेना है। अब मैं इसे सेकूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कढ़ाई को गैस पे डाल दिया है सेकने के लिए। अगर आपके पास कोई पुराना कढ़ाई हो इस तरीके का, जो बहुत दिन से यूज किया हो, अगर आप उसमें सेकेंगे तो लिट्टी बहुत ही अच्छे सेक के तैयार होगी। अगर फिर भी अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी आप उसे सेक सकते हैं। सेकने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा तेल का कढ़ाई को गर्म कर लेने के बाद, उसमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद हम एक एक करके सारी लिट्टी को इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये एक साइड से सिक जाए। जब तक लिट्टी सिक रही है, यहाँ पे मैंने बैंगन और टमाटर को पका के रख लिया है चोखा के लिए। फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिट्टी को पलट पलट के चेक कर लिया है, ये थोड़ा थोड़ा पकने लगा है तो फिर मैंने इसे पलट दिया है। इस तरीके से पलट के रख देना है। इस लिट्टी को सिकने में कम से कम 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। एकदम लो फ्लेम पे हम, कभी कभी मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। इधर मैंने बैंगन और टमाटर को भी पका के इसे मैं अब साफ कर लूंगी। अब मैं इसका चोखा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को रखा है। इन सब को मैं पीस लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मैंने बैंगन और टमाटर को मैश कर लिया है। अब मैंने जो ये पीसा था इसमें इसको ऐड कर दूंगी। जो भी सामान मैंने पीस के इसमें, उसको मैं मिला दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इधर लिट्टी भी लगभग सेक के तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमने इसे चेक कर लिया है, पलट पलट के हम देख लेंगे। ये अब पक चुका है तो अब हम सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, बहुत ही मजेदार लिट्टी चोखा बन के तैयार है। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमें बताइएगा बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।